नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नाजरीन खान। कैमूर जिले की एकमात्र सुरक्षित विधानसभा सीट मोहनिया, जहां पर विधायक से लेकर कैबिनेट मंत्री तक अपना सफर तय कर चुके हैं। तो चलिए आपको बताते हैं मोहनिया विधानसभा के बारे में। कैमूर जिले के एकमात्र सुरक्षित विधानसभा सीट मोहनिया से जीते विधायक कैबिनेट मंत्री और सांसद तक की यात्रा तय किए हैं। वैसे तो ये विधानसभा समाजवाद का गढ़ माना जा रहा है, लेकिन वर्ष 2015 में हुए उपचुनाव में पहली बार भाजपा का कमल खिल पाया। उसके बाद 2015 के आम चुनाव में दूसरी बार निरंजन राम भाजपा के टिकट पर विजयी होकर समाजवाद के किले पर कमल खिलाया। इससे पहले सांसद छेदीलाल जेडीयू के टिकट पर दो बार विधायक बने। पहली बार 2005 में जब वे मोहनिया से विधायक बने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें भारी भरकम मंत्रालय भवन निर्माण विभाग दिया। दूसरी बार विधायक बनने पर जब उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो पार्टी के नेतृत्व से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए। अब चलिए बात करते हैं साल 2014 की। 2014 में भाजपा के टिकट पर उनके सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव के सांसद के भतीजे चंद्रशेखर पासवान को जेडीयू से टिकट मिला। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी निरंजन राम विजयी हुए। इस बार फिर जेडीयू इस सीट पर दावेदारी की। जेडीयू से पहले ये सीट राजद के कब्जे में थी। इसके टिकट पर बसपा से दो बार विधायक रहे सुरेश पासी चुनाव जीते थे। शुरू में मोहनिया सामान्य सीट थी। महागठबंधन में कांग्रेस और राजद दोनों की दावेदारी की बात करते हैं। पांच बार मोहनिया विधानसभा से जीतने वाली कांग्रेस को पिछली विधानसभा में महागठबंधन से टिकट मिलने के बाद इस बार भी उसकी दावेदारी की बात की जा रही है। लेकिन अपने मजबूत संगठन, जाति समीकरण और समाजवाद गढ़ के बदौलत उसकी दावेदारी इस बार प्रबल हो गई है। पिछले आम चुनाव में राजद कांग्रेस उम्मीदवार 7,581 वोट से चुनाव हार गए थे। हालांकि इस बार कांग्रेस के कई उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। अब देखना होगा कि महागठबंधन की ओर ये सीट किसके खाते में आती है। अगर मोहनिया की बात करें तो अभी तक कोई भी महिला विधायक मोहनिया से नहीं बनकर आई है। अब इंतजार रहेगा कि कब तक मोहनिया में महिलाओं के लिए खाता खुलेगा। कैमूर की चारों विधानसभा सीटों में से अगल बगल के विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ भभुआ विधानसभा से महिला विधायक सदन में जा चुकी हैं, लेकिन मोहनिया विधानसभा से महिला प्रत्याशियों को सफलता नहीं मिल पाई है। इस बार कुछ राजनीतिक दलों से महिला प्रत्याशियों की दावेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। करीब आधा दर्जन महिला प्रत्याशियों की दौड़ में विभिन्न दलों से देखी जा रही है। अब देखना है कि कौन सा दल महिला प्रत्याशियों को मौका देता है और विधानसभा के मतदाता कितना उन्हें पसंद करते हैं। 1952 से राम नगीना सिंह कांग्रेस से, 1957 बद्री सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1962 मंगल चरण सिंह कांग्रेस से, 1969 भगवत प्रसाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, 1972 से सुरेश कुमार कांग्रेस से, 1977 रामकृष्ण राम जनता पार्टी, 1980 महावीर पासवान कांग्रेस से, 1985 महावीर पासवान कांग्रेस से, 1990 शिवधार पासवान जनता दल, 1995 सुरेश पासी बसपा से, 2000 सुरेश पासी बसपा से, 2005 छेदी पासवान जेडीयू से, 2010 छेदी पासवान जेडीयू से,
2015 निरंजन राम बीजेपी से 256,389 के कुल मतदाता मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में है। 135,123 कुल संख्या पुरुष मतदाताओं की है। 121,266 महिला मतदाता मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में है। 285 मतदाता केंद्र है मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में और 33 पंचायत 2 प्रखंड क्षेत्र है इस विधानसभा क्षेत्र में। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।